हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट कैमरा सेटिंग के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर, यानी कि कैमरा सेटिंग पर। कैमरा सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट के आप यहाँ से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड को इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने फ़ोटो क्लिक करी तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें और भी सेटिंग है, जैसे कि मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है माइक्रो में आप देख सकते हैं माइक्रोफोन जैसे होता है, किसी भी हम छोटी से छोटी फ़ोटो को हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने भी हम पास ले जाते हैं, यानी कि हम वो बहुत ही क्लियर फ़ोटो लेता है पास ले जाने के बाद भी। आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी क्लियर फ़ोटो आई है। लेकिन अगर हम यही फ़ोटो नॉर्मल वाले उसमें खींचेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ भी नज़र नहीं है। अगर नॉर्मल को खींचते हैं, ये देखिए हमारी नॉर्मल है और ये ओरिजिनल वाली है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।